हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का ये पार्ट थर्ड सॉल्यूशन है, जिसमें मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो में दो क्वेश्चंस मिस हो गए थे, मुझे एक्सप्लेन करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 था कि जो हमारे आईएएस 800 ने मिनिमम एज डिस्टेंस इन बोल्ट कनेक्शन सजेस्ट की है, एज डिस्टेंस हमारी क्या होगी, किसी भी प्लेट में जो भी हमने बोल्ट्स लगाए हैं उनके सेंटर से हमारी नियरेस्ट जो प्लेट है उसकी एज से जो दूरी है वो हमारी स्पेसिफाई की है डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स। ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए दी है कि हमारा जो प्लेट है वो हमारी टेंशन में फेल ना हो, साथ साथ एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हमारी प्लेट में ना हो, एंड जो रप्चर हो देयर शुड बी नो शियर रप्चर ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो यहां पर जो फेलियर होगा वो शेयरिंग ऑफ प्लेट को प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम एज डिस्टेंस हमारी कोड ने स्पेसिफाई की है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द क्लियर कूल नाइट फॉलोइंग बाय इन हॉट सनी डे द एजेस एंड द कॉर्नर्स इन स्लैब रिजिड पेमेंट विल बी। तो अगर हम यहां पर देख लें, अगर ये हमारा पेमेंट सरफेस है तो नाइट में हमारा क्या होगा, जनरली टेम्परेचर जो टॉप सरफेस का होगा वो कम होगा और जो बॉटम सरफेस होगा वो हमारा टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। तो बॉटम सरफेस विल एक्सपैंड एंड टॉप सरफेस विल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा जो शेप आएगा दिस विल बी लाइक दिस फॉलोड बाय हॉट सनी डेज में, तो दिस शेप इज कॉल्ड वर्टिकली अपवर्ड वॉर्पिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो वॉर्पिंग अपवर्ड्स होगी जब हमारा नाइट के बाद एक हॉट सनी डे फॉलो होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा 51 क्वेश्चन है कि हमारी जो सैंड है जिसका फाइननेस मॉडुलस 3 दिया हुआ है, तो हमें क्लासीफाई करना है कि हमारी जो सैंड है वो किस टाइप की, किस ग्रेड की सैंड है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया पुराने वीडियोज में कि हमारा जो फाइन सैंड होगी, मीडियम सैंड होगी, कोर सैंड होगी डिपेंडिंग अपॉन द फाइननेस मॉडुलस। तो फाइन सैंड का जो रेंज है 2.2 से 2.6 होता है, 2.6 से 2.9 तक मीडियम सैंड होती है और 2.9 से लेकर 3.2 तक हमारा कोर सैंड होती है। और कंक्रीट में प्रिपेयर करने के लिए जो भी हम सैंड यूज कर रहे हैं जिसका फाइननेस हमारा 3.2 से ज्यादा होता है, हम वो कंक्रीट के लिए वो सैंड अनसुटेबल है, वो यूज नहीं करते। तो यहाँ पर 3 पूछा गया है, तो इट लाइज इन द रेंज ऑफ कोर्स सैंड, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीम है हमारी जो कि UDL हमारा W किलो न्यूटन पर न्यूटन लोड एक्ट कर रहा है इस बीम पर, और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा सेंटर पे यानी सपोर्ट से 2 मीटर पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो वी विल डिटरमाइन द वर्टिकल रिएक्शंस VA एंड VB, तो हमारा सिग्मा FY जो होगा वो 0 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम यानी लेंथ इनटू टोटल लोड 8W हो जाएगा। हमारा सिमेट्री है तो 2VA इक्वल टू 8W होगा यानी VA हमारा जो हो जाएगा 4W, तो हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं 4W एंड विल टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। तो हमारा जो M सेंटर होगा दैट विल बी 4W इंटू 2 मीटर हो जाएगा माइनस ऑफ W इंटू 4 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो यानी हमारा 0 बेंडिंग मोमेंट होगा इस बीम अरेंजमेंट में। लेसीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इवापोट्रांसपिरेशन, हम एक्चुअल इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन हमारा कितना हो रहा है प्लांट्स के लिए, वो हम इस लेसीमीटर इक्विपमेंट से निकालते हैं। 54th क्वेश्चन में थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट रेनफोर्सिंग स्टील बार्स के लिए जो ग्रेड Fe 500 है उसमें हमें इनमें कई सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन डिटरमाइन करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा IS 1786 है उसकी टेबल 3 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी TMT ग्रेड Fe 500 450 500D की दी हुई हैं, जो कि ये कहती हैं कि हमारा जो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस है, बिकॉज हमारा Fe 500 में वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है, तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को ही हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.2% प्रूफ स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस दोनों सेम वैल्यूज हैं Fe 500 के लिए, जो कि हमारा 500 मेगा पास्कल होती हैं। तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम ही हैं, तो इसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, दोनों बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है,
उसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिजिड जॉइंटेड फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा अगर यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट हम अप्लाई, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट पी इंटू एल बाई टू आएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से हमारा इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं इन जॉइंट्स पे, तो ये इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कुछ स्वे करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा शेप ऐसे आएगा, और ये वाला जो मोमेंट है ये हमारा और भी उसको लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जो मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं उसको आपको देखना है कि कैसे वो हमारे रोटेशंस मेंबर्स में इंड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्वे फोर्सेस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो फ्रेम है वो हमारा कुछ इस तरह बनेगा, इट विल स्वे इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डोज हमारा कितना होगा प्लास्टिसाइजर के लिए, सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए, हम जब कंक्रीट में यूज कर इन जनरल की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इन जनरल की बात कर रहा है तो वी विल यूज IS 456 रिकमेंडेशंस, जो कि क्लॉज 10.3.3 में दी हुई है, जिसमें कोड ने हमारी तीन चीजों पर लिमिट लगाई है, एक तो रिटार्डर हो गया, एक हमारा प्लास्टिसाइजर हो गया, और हमारा तीसरा हो गया सुपर प्लास्टिसाइजर। तो जो लिमिट दी है रिटार्डर की दी हुई है लिमिट कोड 0.5, प्लास्टिसाइजर की 1, और हमारी सुपर प्लास्टिसाइजर की 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्लास्टिसाइजर की 1 हो जाएगी और सुपर प्लास्टिसाइजर की 2 हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए पूछा होता तो रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए IS 4926 ने हमारी जो सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए जो लिमिट दी हुई है वो 1.5% दी हुई है, बट इन जनरल जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो IS 456 की रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं, और कोड के 10.3.3 क्लॉज के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा 57 में ट्रस एनालिसिस करना है, मेंबर इस मेंबर में फोर्स निकालनी है, तो वील कंसिडर दिस ज्वाइंट, तो हमें इससे पहले इस ज्वाइंट पर जाना होगा बिकॉज यहाँ 2 अननोन्स हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट इक्विलिब्रियम लगाएंगे आप, तो हमारा सिग्मा एफ वाई जो होगा वो हमारा, तो हमारा सिग्मा एफ वाई जीरो हो जाएगा, तो इस मेंबर में हमारी फोर्स पी आ जाएगी, इसमें हमारा जीरो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स करेंगे, फिर इस मेंबर में अगर हमारा ये वाला मेंबर है आर टी, इसमें मान लेते हैं हमारी फोर्स एक्स है, इसमें हमारी वाई फोर्स है, इसमें हमारी पी फोर्स है, ये ज्वाइंट आर का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं, और ये हमारा 45 डिग्री है, तो हम इक्वेशंस अगर रिजॉल्व करेंगे सिग्मा एफ एक्स की, तो वाई प्लस एक्स कॉस 45 हमारा जीरो हो जाएगा, और पी प्लस इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई जीरो करेंगे तो पी प्लस एक्स साइन 45 जीरो हो जाएगा, तो हमारा पी की वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस पी रूट टू, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो विल गेट वाई इज इक्वल टू पी, तो हमारा टेंसाइल नेचर का फोर्स इस पर डेवलप हो रहा होगा क्यू आर मेंबर पे, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो बेसिकली हम कॉपर यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर कॉपर के साथ साथ जो और भी मेटल यूज करते हैं, तो कॉपर, निकल और क्रोमियम, जो कि हमारी एक जो भी हमारी स्टील होती है उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, विच विल एनहेंस द कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील, और जनरली जो हमारा कॉपर का परसेंटेज रहता है 0.2 से 0.5% तक हम डालते हैं, जो कि हमारा प्रिवेंट करता है रेट ऑफ रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। बेसिकली हम निकल एंड क्रोमियम यूज करते हैं, बट कॉपर भी हम डाल सकते हैं बिकॉज ये रेट ऑफ रस्टिंग को रिटार्ड करता है एट रूम टेम्परेचर। फॉर सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल अ ट्राई एक्सियल टेस्ट यील्ड्स द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज जीरो, द कंडक्टर टेस्ट जो होगा वो हमारा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा कोहेसिव सॉइल सिर्फ इंटरसेप्ट होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा जीरो है, तो कुछ इट विल बी लाइक दिस शेप, जो रिजल्ट आएंगे हमारे इस शेप के आएंगे, ठीक है, और इट विल रिप्रेजेंट अ अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम वॉज यूज इन हावड़ा ब्रिज ऑफ कोलकाता, तो हमारा जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज बना हुआ दैट इज कैंटी लीवर विथ सस्पेंडेड स्पैन, और ये हुगली रिवर पे ब्रिज है, 1943 में कमीशन किया गया था, स्ट्रक्चर है उसका सस्पेंडेड स्पैन का मतलब ये है
कि इट इज लाइक दिस। ठीक है, अगर आप देखेंगे हमारा ब्रिज जो है वो कुछ इस तरह है। तो ये जो स्पैन्स है ये हमारे सस्पेंडेड कैंटिलीवर्स की तरह हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ये मैंने ऑलरेडी गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप फायर करते हो तो उसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आपके थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मिलती है, जो कि आप आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो, एंड दिस इज आर वैल्यू। क्रिटिकल पाथ इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज मिनिमम स्लोप। ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जीरो स्लैक, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज इन जनरल अगर बात करें तो जिस पाथ के अलोंग हमारा मिनिमम स्लैक मिल रहा है, मिनिमम टाइम पीरियड मिल रहा है इवेंट्स को डेविएट करने के लिए, कि अगर उनको हम डिले करेंगे उस टाइम के बाद तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो हमारा मिनिमम स्लैक जो है क्रिटिकल इवेंट्स का किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर होगा तो वो क्रिटिकल पाथ के अलोंग होगा। वीक सैंड कंडीशन जो होगी हमारी एक हाइड्रोलिक कंडीशन है, जहाँ पर कोहेसेंस सॉयल जनरली हमारी फाइन और मीडियम ग्रेड की जो सैंड्स होती हैं वो अपनी अपवर्ड फ्लो के डायरेक्शन में जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हमारी सबमर्ज्ड वेट को बैलेंस कर लेता है, तो इट विल लूज ऑल इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। तो ये कंडीशन हमारी हाइड्रोलिक कंडीशन क्विक सैंड कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ पाइप। ठीक है, उसके बाद टू कैंटिलीवर बीम्स है हमारे पास और डिफ्लेक्शन हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इस केस में हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन ए टी आई, फ्री एंड पे इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। और इस केस में अगर हम ये मान लें कि ये हमारा एल डैश है, तो इसके लिए आप इक्वेशन याद कर सकते हो कि यहाँ पे फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी डब्ल्यू एल वन की पावर 4 अपॉन ए टी आई प्लस डब्ल्यू एल वन पावर क्यू अपॉन 6 ई आई टोटल एल माइनस एल डैश। ठीक है, यहाँ पर एल डैश की वैल्यू जो है वो एल बाई टू है, इसमें जब एल बाई टू सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट 7 बाई 8 इंटू 48 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन ए टी आई। अब दोनों का रेशियो पूछा गया है तो केस वन और केस टू को आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 48 बाई 7 एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल बॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो कि हम श्रिंकेज और टेम्परेचर रेनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, ठीक है, वो शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो पहले जो हमारे कोडल प्रोविजन से, तो जो ओरिजिनल कोड था उसमें हमारा 5D और 450 mm दिया हुआ है, लेकिन क्लॉज 26.3.3 में कुछ कोड ने अमेंडमेंट्स करके जो हमारा रिवाइज वैल्यू दी है 450 की जगह वो 300 कर दी है। तो अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा जो रिसेंट प्रोविजन हैं वो हमारा 5D या 300, जो भी हमारा स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी, अमॉन्ग द वैल्यूज विच क्रॉप हैज हाइएस्ट वैल्यू टू डेल्टा, इसमें वीट का हमारा होता है 40 सेंटीमीटर, वेजिटेबल्स का 45 के अराउंड होता है, राइस का 120 होता है और कॉटन के लिए 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ पानी चाहिए होता है। तो टोटल हमारा जो हाइएस्ट वैल्यू है डेल्टा की वो राइस के लिए होगी। द थ्री गवर्निंग इक्वेशंस यूज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि हमारी फंडामेंटल रिलेशंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशंस होती हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस बोलते हैं। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स में हमारे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो हमारे बेसिकली अननोन होते हैं, तो वहां पर हम कंपेटिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। व्हेन अ व्हीकल ट्रैवर्सेस अ हॉरिजॉन्टल कर्व इट इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई व्हीकल ट्रैवल कर रहा है तो मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे बाहर की तरफ एक्ट करेगा और अंदर की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारी जो सीमेंट्स हैं उसमें अगर हमारा एल्कली कंटेंट ज्यादा है, एग्रीगेट्स हमारे रिएक्टिव होने चाहिए और सफिशियंट मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए, अदरवाइज हमारा रिएक्शन नहीं होगा। और इसी एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को हम कैंसर और इन कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इंटरसेक्शन एट ग्रेड के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरसेक्शन एट ग्रेड का मतलब ये है कि सेम लेवल पर सभी लेग्स जो हैं इंटरसेक्शन एक लेवल पर हो रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एंगल ऑफ अप्रोच ऐसी लोकेशन पे हमारा लो होना चाहिए। इट शुड क्लियरली गाइड द ड्राइवर। इट इज इन अप्रोप्रिएट ऑप्शन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम इंटरसेक्शन बना रहे हैं
तो हमारा जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर आके सारे व्हीकल्स मर्ज करेंगे वो हमारा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड, दोनों वेलोसिटी जो डिफरेंट व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं इंटरसेक्शन पे, वो हमारी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, रिलेटिव स्पीड हमारी कम होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। यहाँ पर एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिस पे हमारा W लोड एक्ट कर रहा है और हमें कोलैप्स लोड निकालना है P, ठीक है। तो वी विल यूज वर्चुअल वर्क मेथड। तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे हिंज बनेगी हमारी और एक हिंज हमारी यहाँ पर बनेगी या फिक्स सपोर्ट पे हमारी हिंज, बिकॉज इस पॉइंट पे मोमेंट कैपेसिटी हिंज सपोर्ट पे जीरो होगी, तो यहाँ पर मोमेंट कैपेसिटी हम जीरो ले लेंगे। तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारा क्या होगा कि अगर हम इसको थीटा मान ले रहे हैं तो ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। सॉरी, ये हमारा टू थीटा हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन हो गया पी इंटू एल बाई टू थीटा, यानी पी मान लो आप, और इंटरनल वर्क डन क्या होगा एम पी थीटा फिक्स सपोर्ट पे और यहाँ पर एम पी थीटा प्लस थीटा, ठीक है। एक रोटेशन ये आएगा, एक रोटेशन ये आएगा, तो हमारा थ्री एम पी थीटा हो जाएगा। वर्चुअल वर्क मैथड से दोनों को इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट सिक्स एम पी थीटा बाई एल। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई, तो हमारा जो जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो हमारा आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट मेथड से हम करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं या बेस एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो थ्योरेटिकली द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर अ लाइंड कैनाल, इन जनरल अगर देखें, अगर हम लाइन कैनाल की बात ना करें तो हमारा जो बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है वो हमारा सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है, लेकिन बिकॉज फ्रॉम स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है जिसमें हमारा देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द डेप्थ एंड द विड्थ और जो हमारे सेमी सर्कुलर शेप को रिसेंबल करता है और जिसके लिए हमारी लाइनिंग का जो के लिए जो मिनिमम पैरामीटर यानी वेटेड पैरामीटर मिनिमम होगा फॉर अ गिवन डिस्चार्ज एंड एरिया, तो वो हमारा सेक्शन जो होगा वो ट्रेपोजाइडल होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा लाइंड कैनाल के लिए, ट्रेपोजाइडल होगा, जिसमें बिकॉज लाइनिंग जब हम करते हैं तो हमारी यहाँ पर राउंडिंग होती है, तो ये शेप जो होगा दिस विल रिप्रेजेंट अ शेप ऑफ अ सेमी सर्कुलर शेप। तो स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल सेक्शन के तौर पर जो बेस्ट क्रॉस सेक्शन होगा ट्रेपोजाइडल सेक्शन हम कंसिडर करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लास्ट पार्ट में फर्दर अपलोड करूंगा। थैंक यू।